युवा कांग्रेस मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष मुशाहिद चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय में प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के अपमान को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार के राज्यपाल को भेजा। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश पर जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुशाहिद चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में अवगत कराया है कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को कम किया जाए, पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी लाई जाए, अन्नदाता का अपमान नहीं किया जाए, कृषि के तीनों काले कानून को वापस लिया जाए, पेगासस जासूसी कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट से कराई जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव अजय सोनी, पूर्व महाअध्यक्ष रिजवान कुरैशी, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद कुंबर, मुरसलीन खान, महबूब अली, सचिन प्रेमी, राहुल शर्मा, असद मलाई, दिग्विजय आदि लोग मौजूद रहे। ये हल्ला बोल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के आह्वान पर, मतलब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हमने कार्यक्रम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और जो मतलब निम्न मांग है, एक तो जासूसी कांड जिसकी हम सुप्रीम कोर्ट से मांग कराने की जांच कर रहे हैं, नंबर दो जो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, कीमत आसमान छू रही है, उसको कम किया जाए, और कृषि के कार्य तीनों काले कानून वापस ले जाएँ, क्योंकि किसान काफ़ी टाइम से लगभग 6 महीने के आसपास हो चुके हैं, वो अभी तक धरने पर बैठे हैं, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो किसानों के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है, हम यहाँ मुरादाबाद में भी जो कांग्रेस है पूरी उनके साथ खड़ी है, और कांग्रेस किसानों के सम्मान में खड़ी रहेगी।